ये अगर आप न्यू पता करोगे तो 3.5 लाख रुपए की मशीन है सर। 3.5 लाख की? हाँ जी। अच्छा, मेरे पास मात्र 1,25,000। अरे वाह, क्या बात है। एक बार इसकी कंडीशन दिखा दीजिए। मिनिमम इस समय लैपटॉप जो मार्केट में होगा न्यू लैपटॉप 1.5 लाख रुपए से ऊपर होना चाहिए। अच्छा, 1.5 लाख इसके रैम 1.5 लाख से ऊपर का ऊपर होना चाहिए ये वाला। अच्छा, और मेरे पास मात्र 55,000 में। 50 मतलब आधा ही, आधे का भी कमी हो गया, बल्कि 40-30% हो गया ये। अच्छा, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और तुम्हारा भाई आ गया है इस वक्त वजीरपुर में लैपटॉप वर्ल्ड के सामने, जहां हमें मिलने वाले हैं 60-70% डिस्काउंट मैकबुक पे। और ऐसे ऑफर आइडिया और बिजनेस आइडिया जो है मैं लेकर आता रहता हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपसे स्किप ना हो। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और वीडियो को शेयर। लैपटॉप वर्ल्ड के ऑनर है रमित भैया। हेलो रमित भैया। यस सर, कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया। तो रमित भैया, हमारे पास, हमको ये बताओ हमारे पास किस किस रेंज के लैपटॉप हैं, किस किस वर्जन, किस किस कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप हैं, मुझे बता दोगे आप थोड़ा? सर हमारे पास ना एवरी टाइप ऑफ लैपटॉप पड़े हैं। अच्छा, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, मिनिमम हाई। अच्छा, मिनिमम कितने से स्टार्ट हो जाता है आपका? मेरे पास सर ये मिलेगा आपको 8,000 के लगभग i3 ये जानना चाहता हूँ रमित भैया की अपना ये जो लैपटॉप का रेंज है, ये इम्पोर्ट वाले होते हैं, कंज्यूमर वाले होते हैं, कौन से वाले होते हैं ये लैपटॉप? मेरे पास मैक्सिमम जो मिलेंगे आपको कंज्यूमर में मिलेंगे। अच्छा, कंज्यूमर में मेरे पास लो कॉन्फ़िगरेशन से हाई। अच्छा, जिसमें गेमिंग है, कंज्यूमर अपने i3 प्रोसेसर है, 360 टच है, जो भी आप ले लो 15.6 में आते हैं, 15.6 में, 14 इंच में। अच्छा, भी मिल जाएंगे। तो भैया ये मुझे बताओ इससे बेटर वर्जन में अगर आपके पास कोई लैपटॉप की सीरीज हो वगैरह। हाँ, अच्छा जी बताइए। इसके ऊपर मेरे पास कंज्यूमर में ही है सिल्वर रंग का, देखिए सर। अच्छा, i5 8th जनरेशन लैपटॉप है सर। अच्छा, कंडीशन तो यार बहुत सही लग रही है इसकी तो। देखिए सर, 2 GB का ग्राफिक कार्ड है। अच्छा, ये प्रॉपर आप हल्की फल्की जो आपके आते हैं ना डिजाइनिंग वर्क में आता है, हाँ हाँ, उसमें भी यूज कर सकते हो प्रॉपर आप। अच्छा, बहुत बढ़िया लैपटॉप है सर ये। अच्छा, जो ग्राफिक वगैरह भी हो जाएगा इसमें? हाँ, ग्राफिक का प्रॉपर वर्क हो जाएगा। अच्छा, कितनी रेंज हो जाती है इसकी? सर ये पड़ेगा आपको 22,000 की रेंज। अच्छा, मार्केट में कितने का मिल रहा है? मार्केट में इस समय आपको जो भी अगर हमारी मार्केट में ढूंढोगे तो कम से कम 26-27,000। अच्छा, वजीरपुर में ये 27-28,000 का मिलता है। अच्छा, वैसे ऑनलाइन वगैरह तो ये और डबल पड़ जाता होगा? हाँ, डबल सर, डबल। अरे वाह, क्या बात है। मतलब यहाँ पे 22-23 में अपना ये ग्राफिक का मिल जा रहा है। हाँ, तो वारंटी वगैरह क्या होती है भैया इसकी, कुछ बता दो? अच्छा, और वो जो इससे पहले आपने दिखाया था वो वाला जो था सेम वारंटी? अच्छा, जिसमें स्क्रीन के ऊपर डैमेज नहीं आना चाहिए, डैशबोर्ड नहीं आना चाहिए। अच्छा अच्छा, वो डेड लैपटॉप नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो इसके साथ लैपटॉप वगैरह के साथ आप चार्जर वगैरह देते हो कुछ? ओरिजिनल चार्जर। अच्छा, ओरिजिनल मिलता है चार्जर? अच्छा, कंपनी का चार्जर देंगे, ऐसा कोई टेंशन बिल्कुल। तो रमित भाई आना कहाँ पड़ता है इसके लिए, आपको ये बता दो? यहाँ आना पड़ेगा अपने कंप्यूटर मार्केट जी, शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 4 है। अच्छा, उससे सीधे अंदर आ जाओ, वहाँ पे मेरी G10 70 भवन में शॉप। अच्छा, और गाइस यार नंबर शो हो रहा है आपको स्क्रीन पे, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो रमित भाई का पर्सनल नंबर है, वो आप उसे कॉल करके आप आ सकते हो, वो आपको गाइड कर देंगे रास्ता। बाकी और कोई वर्जन आप, कोई सीरीज आप मुझे दिखा सकते हैं? अच्छा, ये लेटेस्ट है? हाँ जी, i5 11। अच्छा, और कंडीशन इसकी बहुत सही लग रही है कंडीशन इसकी, बिल्कुल न्यू लैपटॉप सर। अच्छा, ये क्या पड़ता था, क्या कॉन्फ़िगरेशन पड़ती है रमित भाई? ये i5 है, लेटेस्ट वर्जन है। अच्छा, अपना ये 8 GB रैम है, 256 GB SSD है इसके साथ। अच्छा, ये मिल जाएगा आपको सर 28,000 रुपए में। अच्छा, 28,000। और कैसा पेमेंट मोड कैसा रहता है, कि आपको कैश ही देना पड़ता है, ऑनलाइन भी या फिर आप जो भी आपको जो आप जिसमें आप कस्टमर कंफर्टेबल है? अच्छा, इंटरेस्ट वगैरह बन जाता है? अच्छा, इंटरेस्ट भी हो जाता है, क्या बात है। ये देखिए, इसके अलावा मेरे पास ना 360। अच्छा अच्छा, फ्लिप भी होता है? इनकी बहुत डिमांड है। अच्छा, हाँ ये तो है, थोड़ा पूल भी लगता है, थोड़ा सा फ्लिप हो जाता है तो। हाँ, क्या बात है। ये देखिए, ये क्या, इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन पड़ती है? ये i7 है सर। अच्छा, ये i7 है, ये भी 8 GB रैम, 256 GB SSD हर एक लैपटॉप में मिलेगी सर। अच्छा, SSD आप 512 भी लेना चाहो 512 मिल जाएगी। अच्छा, 1 TB SSD के साथ भी लैपटॉप मिल जाते हैं, कोई ऐसा नहीं है, हर एक वैरायटी मिलेगी सर। ऑनलाइन कितने का मिलता होगा आपके अंदाजन से? ये ऑनलाइन 60 के बाद होना चाहिए। अच्छा, और मेरे पास ये मात्र 26,000 रुपए में। ओ भाई साहब, ये बेस्ट ऑफर है, ये बेस्ट ऑफर है। और कोई वर्जन हो आपके पास जो इसके अलावा? वो एक्सपी में था, ये लेनो वो में आ गया। अच्छा, ये ही सेम है? ये देखिए। अच्छा, वारंटी वगैरह तो सेम है ना, ये फ्लिप बारे में भी और उसमें भी आपका 8,000 वाले में भी? अच्छा अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए कि रमित भाई की अपने पास लैपटॉप जो है वो गेमिंग वेमिंग के हैं, क्योंकि बहुत वर्जन? बिल्कुल, ये देखिए गेमिंग, गेमिंग तो आपने बहुत लेट पूछा सर। ये देखो,
अच्छा ये Lenovo का लीजन है सर। कितने से स्टार्ट हो जाता है गेमिंग के? गेमिंग सर मेरे पास 30 बक्स से स्टार्ट होती है, जो हाई कंफिगर 4GB ग्राफिक के 6GB ग्राफिक भी आता है। अच्छा हाँ जी, ये मेरे पास आपको हाई एंड लैपटॉप भी मिल जाएगा बिल्कुल। अच्छा Asus का गेमिंग लैपटॉप देखो सर। अच्छा Asus का बता दो मुझे, क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन? ये मिनिमम इस समय लैपटॉप जो मार्केट में होगा न्यू लैपटॉप एक 1.5 लाख रुपए से ऊपर होना चाहिए। अच्छा 1.5 लाख, इसके रैम 1.5 लाख से ऊपर का ऊपर होना चाहिए ये वाला। अच्छा और मेरे पास मात्र 55,000 में, 50 मतलब आधे का भी कम ही हो गया, बल्कि 40-30% हो गया ये। अच्छा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो सर, कंडीशन तो बहुत अच्छी है, कंडीशन बहुत सही है इसकी। 16GB 1TB SSD। अच्छा 16GB रैम है, 1TB SSD है और इसमें 4GB ग्राफिक है सर एनवीडिया का। अच्छा ये देखिए, इसके अलावा ये देखिए डेल में है। अच्छा डेल का भी आपके पास? डेल का भी गेमिंग है, ये आ गया अपना। ये डेल वाला कितने का पड़ जाता है आपका सर? ये पड़ेगा आपको 32,000 का। ये 32,000 में? अच्छा और इसके अलावा एसर का है। अच्छा एसर का भी आपके पास? एसर का भी है, नीचे दबा के रख रखा था आपने। अच्छा बढ़िया। और ये अपना कितने का पड़ जाता है ये एसर वाला? सर ये अपने पास जो गेमिंग लैपटॉप होते हैं इनके 30 बब ही रहता है। अच्छा 30 बब से बनता है, लेकिन इसको मार्केट में ढूंढो काफी महंगे प्राइस में है ये। अच्छा मेरे पास बहुत चीप प्राइस में, कस्टमर में यहाँ आएगा खुश होके जाएगा। अच्छा ऐसा नहीं है कि बेचारा बोले यार महंगा मिला मेरे को। तो रमित भाई आप बता सकते हैं इस वजीरपुर की मार्केट में आप कितने सालों से हैं, कितने कब से काम कर रहे हैं? सर पैसे तो मेरे को हो गया यहाँ पे वर्क करते करते 5-6 साल हो गए, लेकिन जो मैंने हमारा क्या पहले डीलर सेगमेंट था तो उसके बाद हमने 1.5-2 साल हो गए हैं अपने शॉप लेके यहाँ पे हमने कस्टमर पे काम स्टार्ट किया है। अच्छा तो ये अभी ये जो आपने लगा रखी है नीचे जितनी भी रेंज लगा रखी है, ये ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप मेरा मेरे कोई भी व्यूवर अगर आएंगे इस डिस्काउंट इस रेट के साथ इस वारंटी के साथ आए तो वो मिलेगा नहीं पीस या फिर? ऐसा नहीं होता। अच्छा ऐसा बिल्कुल नहीं है, चिंता मत करो। हाँ ये जरूर है मेरे पास जो माल की है मेरा माल रुकता नहीं है। अच्छा माल कंटिन्यू सर्कुलेटर होता रहता है। हाँ, सर्कुलेटर चलता रहता है और माल ये भी अब जब मर्जी मांगो। अच्छा मेरे को एक दिन का टाइम दे दो दूसरे दिन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा देखो सर एप्पल की वैरायटी। हाँ एप्पल की रेंज में बहुत इतनी देर से नोटिस कर रहा हूँ लेकिन मैंने बोला नहीं, बस भैया बोल रहे कुछ पहले से ही तो ज्यादा बेटर है। तो इसकी भी रेंज मुझे बता दीजिए मिनिमम से लेकर मैक्स मैक्स कहाँ तक अपने पास मिल जाता है? मॉडल आता है 1278 मॉडल होता है। अच्छा वो मेरे पास मिल जाता है आपको 8GB रैम 256GB का 13,000। अच्छा उसके बाद ये एयर आती है 2015 एयर है। अच्छा ये कोई 18,000 रुपए की है। मुझे दिखा देंगे क्या एक बार पीस दिखा दें, कंडीशन वगैरह दिखा दो इसकी कैसी है? बिल्कुल ये 2015 का है, 2015 एयर है, कंडीशन अच्छी है। कितने का पड़ जाएगा भैया ये? 18,000 रुपए का। अच्छा ये 18,000 का, इसमें थोड़ी प्राइस 1,500 इसलिए ऊपर है सर, क्या ना वो थोड़ा सा इंपोर्ट के चक्कर में हुआ है। अच्छा पीछे बंद हुआ है काफी माल, इसलिए थोड़ा सा इनके रेट अप हुए हैं। ये 2017 2017 का मॉडल है। अच्छा ये पड़ेगी कोई आपको 24,000 के लगभग। अच्छा मतलब जैसे जैसे मॉडल के ईयर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे प्राइस बढ़ता था। और वो जब सबसे सस्ता 2012 वाला भी बताया था, वो कौन सा पीस आपके पास है अभी? वो इस हाँ वो वाला पीस भी होगा। अच्छा अच्छा आपने तो पूरी खदान रख रखी है। सर ये देखो लैपटॉप नहीं मिलेंगे सर कम आपको, लैपटॉप कम नहीं मिलेंगे आपको भाई। ये मैकबुक का जो है ये 2012 वाला मॉडल जिसके बारे में बताया था, कंडीशन दिखा दो इसके। जी हाँ कंडीशन तो बहुत अच्छी है इसकी सर। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लैपटॉप की कंडीशन आप ऐसा बोलोगे जब आप देखोगे आप कंडीशन खराब बिल्कुल बिल्कुल फिजिकल कंडीशन बिल्कुल ओके। अच्छा तो अभी आपके पास यही एक रेंज है या फिर और भी हैं आपके? अच्छा मुझे इसकी ऊपर की रेंज अपडेटेड वर्जन दिखा दो। अपडेटेड वर्जन दिखाते हैं सर आपको जी, ये आ गई 2017 प्रो। अच्छा अच्छा मैकबुक का 2017 प्रो है और बहुत ही अच्छी कंडीशन है गाइस इसकी। वो एयर थी ये प्रो है सर। हां ये 2017 प्रो। कितने क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या पड़ जाती है इसकी? ये 8GB 256 में 8GB 128 में दोनों में मिलती है सर। अच्छा जो 8GB 256 में रेट रहता है इसका 32 के लगभग। अच्छा और सबसे लेटेस्ट आपके पास कौन सा है जो लेटेस्ट? ये देखो मेरे पास ये कौन सा सबसे लेटेस्ट 2020 मॉडल है सर। अच्छा 2020। हाँ जी और अभी आप मुझे बता रहे थे जब वीडियो हम शूटिंग कर रहे थे बोले ये लॉन्च हुआ 2021 में। हाँ ये मॉडल 2020 का है। हाँ। लेकिन लॉन्चिंग इसकी 21-22 ऐसी होती है सर। अच्छा। परचेजिंग डेट आएगी ना। हाँ हाँ। जब लेता है जी। ये देखिए ये कितने का पड़ जाता है? टच बार के साथ है सर। अच्छा इसमें टच बार है? टच बार है सर। दिखा देंगे मुझे ये देखो, ये देखो प्रॉपर कंट्रोल टच बार से करो सर जी। ये i7 वर्जन है। अच्छा i7 16GB रैम है 512GB SSD के साथ। अच्छा इसमें आप जो मर्जी काम करो सर कोई टेंशन। इसका प्राइस कितना पड़ता है? ये प्राइस पड़ेगा सर आपको इसका कोई 60,000 के लगभग। अच्छा तो रंजीत रमित भाई मुझे एक क्वेश्चन है कि क्या इसमें भी सेम वारंटी है जैसे आपने नीचे बोला? अच्छा सेम है। ऐसे भी लैपटॉप भी आते हैं इनकी कंपनी तरफ से वारंटी पेंडिंग होती है। अच्छा जैसे मैं आपको एक बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन दिखाता हूँ जी, जैसे देखो सर
ये मार्केट में 2.5 लाख रुपए की मशीन है। अच्छा 2.5 लाख i9। अच्छा टच बार के साथ है, 16GB 1TB। अच्छा ये मेरे पास मात्र 60,000 रुपए में सर। 60,000 में सीधा आधे का भाई मैंने बताया था 40-30% के आसपास पड़ेगा ये पूरे टोटल का। अच्छा इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है? ये i9 16GB 1TB। अच्छा और इसके साथ चार्जर वगैरह मिलता है? चार्जर भी साथ में, चार्जर इसके अलावा इससे भी टॉप मॉडल दिखा सकता हूँ। तो रमेश भाई जो वीडियो शेयर करके आएगा उसके लिए क्या है ये तो बताओ आप सर। उसके लिए डिस्काउंट और डिस्काउंट देंगे सर। अरे वाह क्या बात है, और डिस्काउंट मिलेगा उनको। और ये देखो इससे भी अपग्रेड वर्जन M1 Pro 15 इंच में। अच्छा 15 इंच का भी सर? हाँ जी ये 2021-22 का मॉडल है सर। अच्छा ये और ये कितने का पड़ जाता है अपना पास? ये 16GB 1TB SSD के साथ है। ये अगर आप न्यू पता करोगे तो 3.5 लाख रुपए मशीन है सर। 3.5 लाख की? हाँ जी। अच्छा मेरे पास मात्र 1,25,000। अरे वाह क्या बात है, एक बार इसकी कंडीशन दिखा दें। देखो सर देखो कॉन्फ़िगरेशन एक बार क्या बताई थी आपने इसकी? M1 Pro MacBook Pro M1 Pro 16GB RAM 1TB SSD है जी। अच्छा मुझे बता देंगे क्या आपके, एक बार फिर रिपीट कर दीजिए एड्रेस कहाँ पे आना पड़ेगा हमारे सर? ये मेरा जो एड्रेस पड़ेगा वजीरपुर कंप्यूटर मार्केट G10 सत्य भवन जी, शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 के ऑपोजिट। ठीक जी। रमित भाई आपके पास यही जितना मुझे दिख रहा है वीडियो में इतना ही है कि और भी है कि माल? जब आपको इतना माल दिखा रहा हूँ ये देखो। अच्छा एप्पल का स्टॉक है सारा। अच्छा ये एप्पल का पूरा बॉक्स भी माल मिलेगा आपको? अच्छा हाँ। और ये विंडो में नीचे रखे हैं, कुछ विंडो में देखो सर। अच्छा विंडो का, ये देखो विंडो का तो पूरा भरा हुआ है, क्या बात है मिल गया सर। सभी रैक में है सर, ये पेटी पड़ी है मेरी। अच्छा इनमें भी लैपटॉप है और मैं देख रहा हूँ छत भी नीचे से है, क्या ऊपर भी बना रखा है क्या आपने? ऊपर भी है। अच्छा ऊपर भी है, बस स्टॉक की कमी नहीं है। पर ये जरूर है मेरे पास जो स्टॉक रहता है ना सर ये रोटेट होता रहता है। अच्छा तो आप ये बोलोगे आज स्टॉक में 1 वीक बाद सेम चीज दूसरी प्रोवाइड करवा दूंगा, सेम में वही चीज नहीं उस समय, क्योंकि मेरा माल रोटेट होता रहता है, रोटेट लैपटॉप चलते रहते हैं हमारे। तो थैंक यू सो मच रमित भैया अपना टाइम देने के लिए, और हमने लैपटॉप वर्ल्ड में सारे लैपटॉप के वर्जन देखे, सारी प्राइस देखे, और रमित भैया ने बोला है कि हमें कॉल कर दीजिए वो एड्रेस पे आपको पिक कर लेंगे, और वीडियो शेयर करके आओगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, आपको अगर पीस ये रखे हुए नहीं भी मिलते हैं तो रमित भैया ने जैसे बताया कि मेरे पास आता ही रहता है माल तो रोटेट होता ही रहता है, तो आपको ऐसा कोई सोचने की टेंशन नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर वीडियो।